ये जो आपके तरफ से एक प्रश्न आया हुआ है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, इसका मतलब आपने पूछा है, तो हमें यह जानना है, उसमें लिखा भी होगा पुस्तक में, कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। मशहूर संचार शास्त्री बिल्बर स्वयं का स्टेटमेंट है ये, तो आइए इसकी व्याख्या कर देते हैं। ये देखे हैं, संचार आपने समझा था, उसके आधार पर इसमें जो बिल्बर स्वयं कहते हैं अनुभवों की साझेदारी, ये दो बातें ही हैं, इसे आप समझना है। संचार तो आप समझ चुके हैं, जब भी संचार होता है तो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई घटना जब आप सुनते हैं तो एकाधिक लोगों के बीच में जब वो घटना की खबर पहुंचती है तो लोग अलग-अलग तरह से प्रभावित होते हैं, अलग-अलग तरह से प्रभावित होते हैं। अभी बताता हूं बच्चों, सर एक मिनट। आवाज जो है आपस में वो आ रहा है सर, उसको थोड़ा सा कहां से बंद होगा। फिर इसके बाद हाँ ध्यान देंगे। अभी आप लोगों का शोर शराबा ना आया इसलिए म्यूट किया गया थोड़ी देर के लिए। तो जब कोई घटना घटित होती है तो यदि दो लोग बैठे हों, तीन लोग बैठे हों, एक या एकाधिक लोग बैठे हों, एक से अधिक जितने भी हों, तो उस घटना को सुनने के बाद हमें जो अनुभव होता है और जो अन्य लोगों में जो अनुभव होता है उसमें अंतर आ सकता है। तो अंतर आने के बाद क्या होता है कि हम साझा करते हैं, साझा कुछ आपके अनुभव को हम स्वीकारते हैं, कुछ हमारे अनुभव को आप स्वीकारते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा अनुभव हम स्वीकारें, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पूरा अनुभव आप स्वीकारें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनुभव आपका और कुछ अनुभव मेरा, ये दोनों मिल करके हम निष्कर्ष पर पहुंचे। ऐसा हो सकता है भाई। अब जैसे देखे, एक उदाहरण देता हूं, इसे मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर ही लेता हूं। बीच में कुछ क्षण के लिए तकनीकी बाधा आ गई थी, जिसे आप शोर कहते हैं। संचार के बीच में जो बाधा आती है उसे शोर कहते हैं। परिभाषा सहज है यहाँ। आइए, हम ये जान रहे थे, जैसे अभी चर्चा चल रही है अनुभवों की साझेदारी कैसे होती है। अभी कोरोना पूरे विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, एक घटना है। तो इतनी बड़ी घटना है तो समाचार का विषय बनेगा और संचार भी होंगे, तो आप सुन रहे होंगे।
ग्रामीण इलाके में, बहुत मायने में ग्रामीण इलाका जो है अच्छा है, शहरी इलाका भी कुछ मायने में अच्छा है, दोनों के साझा संबंधों से ही राष्ट्र मजबूत होता है। तो तरह तरह की चर्चा हो रही है, जैसे कि अरे यार कोरोना भगाना है तो कोरोना 10 बार धोना है, वो साबुन से 10 बार धोना है। तो फिर उसी में कोई कह रहा है कि अरे यार इसकी तो कोई दवाई नहीं है, तो फिर साबुन क्या कर लेगा। ये अलग अलग अनुभव हैं लोगों के। तो उसी में कोई कह रहा है कि अरे यार धो के खाइए, वो मास्क लगाइए। ये भी उसमें प्रश्न उठ रहे हैं, सब्जियां हैं फल हैं सब कुछ कहां कहां से स्पर्श करके आ रहा है। तो तरह तरह की बातें चर्चाएं हो रही हैं कि कहां है कहां नहीं है, किसको होगा किसको नहीं होगा, किस देश में हो रहा है किस देश में कम हो रहा है नहीं होगा, आदि आदि रोग प्रतिरोधक क्षमता की चर्चा हो रही है। तो तथ्य सबके आ रहे हैं और सारे तथ्यों को लेकर के अपना अपना अनुभव क्या करता है व्यक्ति, साझा करता है। इधर से कुछ लेके अनुभव आया, इधर से कुछ अनुभव लेके आया, इधर से कुछ अनुभव लेके आया, और सबको मिला करके आज देश किस स्थिति में पहुंच गया है। कुल मिला के क्या कह रहे हैं भैया, जो भी हो इतना तो पता है ना कि बार बार यदि हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धो लेते हैं, तो जो भी इंफेक्शन इत्यादि है उससे हम दूर रहेंगे। स्वच्छता तो आवश्यक है, जब स्वच्छ भारत रहेगा तभी तो स्वस्थ भारत होगा। तो ये अनुभव मिलकर के आ रहा है। दूसरी बात कि भाई अपने को स्वस्थ रखना ये अति आवश्यक चीज है, आप मानो या ना मानो, तथ्य चाहे जितने जिस हद तक आपको प्रमाणित करते हैं नहीं करते हैं, आप मानते हो ना मानते हो वो विषय अलग है। तो संचार जब हमारे बीच साझा रूप में आता है, मिलजुल करके सबका अनुभव मिलजुल करके जब आता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है, और उसका जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचरण हो, तो उसे बिल्बर स्वयं क्या कहते हैं, संचार मानते हैं। यानी जीवन की समस्याओं से संबंधित कुछ अनुभव हो, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, वो साझा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए होंगे आप। अब्दुल शिक्षार्थी आप लोग समझ पाए हैं? हेलो सोनू, यस सोनू सर, ये अनुभवों की साझेदारी समझ पाए आप लोग? यस सर, अच्छा, आकांक्षा यस सर, बात स्पष्ट हुई? यस सर, अच्छा धन्यवाद। तो
अब संपादन के सिद्धांत आपको बताए जा रहे थे, इसमें पहला सिद्धांत बताया गया कि तथ्यों की शुद्धता, जितने सारे तथ्य आपको मिल रहे हैं वो शुद्ध रूप में आपको मिले या आप उसे प्राप्त करने का प्रयास करें एक पत्रकार के रूप में। एक मैं सुझाव दूंगा आप लोगों को, एक मिनट, आधे मिनट के लिए थोड़ा सा रुकेंगे विद्यार्थी आप। हाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा खोला जाए, विद्यार्थियों से बात हो। ये तथ्यों के बाद एक देखे होंगे एक सीरियल आता है सर। हाँ बोलें। संचार में और कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। संचार प्रक्रिया के तत्व में दो बिंदु आए थे, एनकोडिंग और डीकोडिंग। अच्छा, उसको अच्छा। उसका व्याख्या थोड़ा कर देते। अच्छा अच्छा, देखिए जब विचार आते हैं तो विचारों को भाषाबद्ध किया जाता है, भाषा में बांधते हैं, तो विचारों को संदेशों को भाषाबद्ध करना एनकोडिंग है, और उसको जब पढ़ा जाता है इसका उल्टा डीकोडिंग होता है। यानी संदेशों को भाषा के रूप में बांधना एनकोडिंग है, और जब प्रापक के यहाँ संदेश पहुंचता है तो जब वो पढ़ते हैं उसे तो उस प्रक्रिया को डीकोडिंग कहा जाता है। यानी एनकोडिंग का विलोम जो होता है वो डीकोडिंग होता है। बात समझ में आई आपको? भाषाबद्ध मतलब भाषाओं में, भाषा में बांधना। जैसे मान लीजिए आप भोजपुरी भाषी क्षेत्र के हैं, कोई संदेश आपके मन में आया तो आप भोजपुरी में तो लिखते नहीं है, उसे आप हिंदी में लिखेंगे ना। या फिर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और आपको ये सूचना आसाम में भेजनी हो तो आसामी भाषा में यदि उसे आप बांधते हैं, उस भाषा में ट्रांसलेट करते हैं आप, समझ रहे हैं, इसी को कूटीकरण कहा है। बोलिए। और सर एक लोक माध्यम है भीम वेचका के गुफा चित्र। हाँ हाँ, ये वो बताया नहीं था। हाँ उसमें ऐसा है ना कि जो हमारा आदि मानव था अधिकतर गुफाओं में ही रहता था, उस समय घर तो थे नहीं, तो गुफाओं में जब वो रहता था तो खाली समय में क्या करता था, उन गुफा की दीवारों पर वो चित्र बनाया करता था, अपने समय से कुछ चित्र बनाता था। वो पशु पक्षियों के चित्र हो सकते हैं, जानवरों के हो सकते हैं, आदमी के हो सकते हैं, या फिर जो क्रियाकलाप वो संपादित करता था पूरे दिन उसमें से कोई बात उसके दिमाग में आए तो वो लिखता था। आपने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा होगा, वो खेलते कूदते कुछ ना कुछ दीवार पर कुछ ना कुछ चित्र बनाते रहते हैं, या फिर जो देखते हैं उसका आचरण भी करते हैं। अभी महाभारत का सीरियल देखा उन लोगों ने तो बांस की टहनियों से जो है वो तीर धनुष बना करके ले लिए, खेलना शुरू कर दिए, और यदि उसी बालक को यदि कहीं पेज मिल जाए या दीवार मिल जाए तो उसी तरह के तीर धनुष संभव है वो बनाने लगे, समझ रहे हैं। तो जिस समय में गुफाओं में उसकी दीवार पर जो उसने बना लिया चित्र, तो अब तो मिटेंगे नहीं, बहुत सारे छेनी हथौड़ी से काट काट करके उस पर चित्र बना दिए जाते थे। तो अब लंबे समय के बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2000 साल, 3000 साल, 500 साल ये समय बीत गया, तो 500 साल पहले, 1000 साल पहले पीछे की बातें जब देखेंगे तो देख करके, चित्रों को देख करके हम जान जाएंगे कि उस समय का मानव क्या करता था, वो क्या चाहता था, क्या सोचता था।
तो उनके जो विचार और संदेश थे आज तक हमारे पास आ रहे हैं, तो यह भी तो संचार हुआ। अब महाराज अशोक ने शिलापट्ट पर वो पत्थर की पट्टिका पर जो है वो नियम जो है खुदवा देते थे, उस पर लिखवा देते थे। लिखित पुस्तकें जब कम होती थी तो पत्थरों पर संदेश खुदवा दिए जाते थे, गुफा की दीवारों पर वो लिख दिए जाते थे। तो वो देख करके भी हमारा क्या होता है, संचार होता है कि उस समय का जो हमारा मानव था वो ऐसा करता था। ठीक है, और बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद। चलिए तो एक चीज और आपसे थोड़ी सी बीच में ही इसको रोक करके थोड़ा समय चर्चा करना चाहूंगा कि काव्य में कुछ अध्याय आप लोगों को पढ़ाए गए थे, वो सब तक मिल गया है क्या, सभी ने पाया है उसे? असल में ग्रुप कई थे उसमें? यस सर। तो आप बताएं तो वो कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़े? अंजलि आप बताएं। केवल चैप्टर का नाम बताएं आप। कविता में क्या क्या, कौन कौन सी कविता पढ़ा आप लोगों ने मेरे माध्यम से? आत्मकथा। अच्छा, आत्मपरिचय। हाँ जी, और आत्मपरिचय और जल्दी ढलता। अच्छा, बालक वर्ग रुके, थोड़ी बालिकाओं से भी फीडबैक आ जाए। दीक्षा जयसिका गुप्ता आवाज आ रही है? पल्लवी रिया आवाज बंद कर लिया आप लोगों ने? खैर, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आत्म परिचय। यदि आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो उसमें एक काम कीजिएगा, ये लिंक मैं यहाँ एक लिख रहा हूँ, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उसको देख लीजिएगा। यह स्पेलिंग देख लीजिएगा, इस लिंक पर आप सर्च कीजिएगा। अब्दुल। यस सर। आवाज आ रही है, ये दिख रहा है ना? आ रही है सर। इस लिंक पर दो तीन कविताएं जो आपको भेजी गई हैं, या यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। जो लोग नहीं देख पाए, जो पढ़े हैं वो तो ठीक है, धन्यवाद की बात है, इस पर देख लीजिएगा। और उन कविताओं में दिक्कत हो, जैसे अभी आप प्रश्न किए हैं वो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं समय दूंगा आप लोगों को। और बेहिचक पूछेंगे आप, देखें। अब आते हैं अपने इस विषय बंधु पर। एक सीरियल आता है आपकी अदालत, अब्दुल। यस सर। हाँ, संदीप कुमार। संदीप। यस सर। संदीप। यस सर। अच्छा, आपकी अदालत एक सीरियल आता है, उसमें देखिएगा, वो मिस्टर केडी पाठक हैं। यस। तो अधिक से अधिक तथ्य उनके पास आते हैं, यहाँ तथ्यों की शुद्धता और वस्तु परकता दोनों के अंतर को, चूंकि आप उससे जुड़े हुए हैं इसलिए वहीं से उदाहरण में देना उचित समझ रहा हूं। बहुत सारे तथ्य आते हैं, ये तथ्य आते हैं, लेकिन जो उसमें पाठक जी के जो देखने का नजरिया है, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं तथ्यों को समेट करके, वही क्या है, वस्तु परकता। लेकिन आप उदाहरण में आप ये तो बताएंगे नहीं कि पाठक जी देखते हैं वो वस्तु परकता है, वो उदाहरण है। परिभाषा में आपको क्या लिखना होगा कि तथ्यों को किस दृष्टिकोण से देखता है पत्रकार, वही उसकी वस्तु परकता है।
और जो तथ्यों को देखने का जो तरीका है, तथ्यों को जो देखने का तरीका है वो क्या है, वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, वो बात अभी आएगी सामने। वस्तु परकता जो प्रभावित होती है वो व्यक्ति के सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणों पर आधारित होती है। तो कोई भी पत्रकार जो हमारे समाज समुदाय का व्यक्ति है, तथ्यों को जो देखने का उसका दृष्टिकोण होगा वो कैसा होगा? एक ही तथ्य को एक व्यक्ति अलग दृष्टि से देखेगा, दूसरा व्यक्ति अलग दृष्टि से देख सकता है। ये संभव है कि दोनों की दृष्टि एक हो परंतु देखने का नजरिया अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो जो उसके देखने का तरीका है, जो एंगल है, वो कहां से प्रभावित होगा? उसके जो सामाजिक जीवन है वो किस समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? अब यहां पर एक बात आ रही होगी आपके दिमाग में कि किस समाज से जुड़ा हुआ है, तो इस समाज से जुड़ा हुआ है, ये जितना कुछ दिख रहा है सब कुछ एक ही समाज है, ऐसा कुछ नहीं है। बोल चाल में समाज शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो सीधा सीधा उसे हम पब्लिक मान लेते हैं। समाज को आप सोसाइटी कहते हैं और वो पब्लिक शब्द है, दोनों में अंतर है। इस पब्लिक के बीच में बहुत सारे सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग समाज। मैं भी जब तक अध्ययन नहीं किया था, जब तक अध्ययन करने की बारी नहीं आई थी, तब तक बोलचाल में यही सुनता था, ज्यादा लोग यही बोलते थे कि ये समाज के लोग क्या कहेंगे। इस लोक समुदाय में, इस लोक समुदाय में बहुत सारे समाज होते हैं, उस समाज में भी छोटे छोटे समाज होते हैं। एक बार एक सामाजिक संगठन करता मेरे पास खोलो तो आए, उसी समय में सोचने के लिए विवश हुआ, साहू समाज की चर्चा लेकर के आए। तो हमने कहा कि ये क्या है भाई, तो बताया उन लोगों ने कि ये साहू समाज है और आप इस समाज से जुड़ जाइए। करना क्या है भाई, क्यों जुड़ जाएं हम इससे, हमें तो इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती आपके इस समाज से जुड़ने की। आ तो नहीं नहीं आवश्यकता है, अभी आवश्यकता नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, लाभ हैं भविष्य के लिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आदि आदि लगे वो बताने। और भी बहुत सारी दलीलें दी गई, कुछ बातें जाहिर सी बातें हैं, बात है कि कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बातें अच्छी नहीं भी लगी। तो देखिए अब जब उसके तह में जाएंगे तब पता चलेगा, बहुत सारे समाज हैं इसमें। हमारे पूर्वजों ने समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता हुई समाज की विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए, हल करने के लिए, समाज में समरसता कायम करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग समाज की स्थापना किया उन्होंने। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अभी ये बताया कि हमारे महोदय एक आए थे वो साहू समाज बनाने के लिए, कुछ जाति सूचक समाज भी बनाते हैं लोग, हैं कितना अच्छा होता सिर्फ मानव का समाज बने। लेकिन समाज तो बनेंगे अलग अलग, क्योंकि देखिए वो
वो बनेंगे। व्यक्तियों का संगठित समूह जिसके सामने एक निश्चित उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब संगठित होते हैं तो वो समाज होता है। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है फिर दूसरा भी समाज बन सकता है, तो अलग अलग समाज बनाए जाते हैं। तो व्यक्ति जिस समाज से जुड़ा हुआ है तो वो अपने समाज के हित की बात सोचेगा, अपने उद्देश्यों को सामने रख के सोचेगा। और पत्रकारिता का सिद्धांत क्या कहता है कि पत्रकारिता का सिद्धांत यदि आप पालन कर रहे हैं तो आपको किसी निश्चित या विशिष्ट समाज से जुड़ करके तथ्यों को नहीं देखना है, सारे समाज से अलग निष्पक्ष हो करके पत्रकारिता के सिद्धांत के आधार पर आपको देखना है। तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। पत्रकारिता का सिद्धांत यह कहता है कि आप चाहे जिस समाज से जुड़े हों, तथ्यों को देखते समय आपका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, किसी विशिष्ट समाज तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा लोक समुदाय तक होना चाहिए। पूरी पब्लिक को ध्यान में रखते हुए आप उन दृष्टिकोणों को स्पष्ट करें। अब सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक ये देखिए, संस्कृति भी क्या है, लोक कल्याणकारी जो सोच है वो संस्कृति है और सोच का जो परिणाम है वो सभ्यता है। शिक्षार्थी आपने दसवीं कक्षा में, दसवीं कक्षा में आपने पढ़ा था संस्कृति नामक एक अध्याय था, संस्कृति नामक अध्याय था, छूट गया था, नहीं था, निकल बाहर था सर। हाँ अभी दो साल से, अभी दो साल से निकाला गया है उसको, दो साल हुए। तो उसमें देखिए का बताया गया है कि जो कल्याणकारी सोच है, तो कल्याणकारी सोच क्या है, लोक कल्याणकारी, ध्यान दीजिएगा, लोक शब्द पब्लिक से जुड़ा हुआ है और समाज शब्द जो है किसी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो लोक समुदाय का एक अंश होता है ये समाज, लोक समुदाय में कई सारे समाज हो सकते हैं छोटे बड़े, और लोक समुदाय में सभी आते हैं। तो सबके कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी जो बात सोची जाती है वही संस्कृति है, और सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए पत्रकार को क्या करना चाहिए कि अपना डिसीजन लेना चाहिए। अब तीसरा देखें कि तथ्यों को देखते समय पत्रकार को क्या करना है, निष्पक्ष होना है। अब निष्पक्ष का मतलब क्या है, ये देखिए, एक पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष ये हो गया, आपको यहां खड़ा होना है, यहां खड़ा होना है। इसमें यहां मान लीजिए कोई टकराव वाली समस्या आती है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, टकराव वाली बात आती है, संघर्ष वाली बातें आती हैं, तो वहां पर पत्रकार को क्या करना है। पत्रकारिता का सिद्धांत ये कहता है कि आप किसी एक पक्ष में न जाएं, किसी एक पक्ष में न जाएं, न तो आप इस पक्ष में रहें, न तो आप उस पक्ष में रहें, न तो आप पक्ष में रहें, न ही आप विपक्ष में रहें, आप किस में रहें, निष्पक्ष में। सर प्लीज, सर प्लीज, काम कर, देखो तो काम कर रहा है। हाँ थैंक यू सर। अनम्यूट कर रहे हैं, बच्चों से बात करने, नहीं अनम्यूट, अनम्यूट कर देना सबको। हाँ ध्यान देंगे, ये जो तीसरा है निष्पक्षता, निष्पक्ष, न तो आप पक्ष में रहें, न ही आप विपक्ष में रहें, आप निष्पक्ष रहें,
लेकिन निष्पक्ष होने का मतलब तटस्थ नहीं होता है, एक तटस्थ होता है, चाहे ये पक्ष हो या ये पक्ष हो, उसे हमको क्या मतलब है, हमको कुछ भी मतलब नहीं है। यदि आप दूर चले जाते हैं और यहां खड़े हैं तो आपको तटस्थ माना जाएगा। निष्पक्ष का मतलब यह है कि आप किसी भी पक्ष में न रहें, लेकिन जो तथ्य सत्य है, जहां तथ्यों की शुद्धता ज्यादा है, उसका आप समर्थन करें। निष्पक्षता ये कहता है, न तो आप किसी एक पक्ष की बात करें, न ही दूसरे पक्ष की बात करें, बल्कि दोनों में जो तथ्य सत्य है उसका आप साथ दें। निष्पक्षता का सिद्धांत यही कहता है। अगला जो तत्व है संतुलन है। जब टकराव वाली समस्या आती है तो आप संपादन करते समय, सूचनाओं को भेजते समय, पत्र पत्रिकाओं में आप संतुलन का ध्यान रखें। आप कोई ऐसी सूचना न भेज दें कि समाज में दंगे फसाद हो जाएं, और संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अपने विवेक से तथ्यों की शुद्धता, शुद्धता, वस्तु परकता और निष्पक्षता, तीनों को ध्यान में रखते हुए, आप बैलेंस बनाते हुए, संतुलन की स्थिति को कायम करते हुए सूचनाओं को आप प्रेषित करें। आप अपने डिसबैलेंस ना हो, ऐसा ना हो कि किसी पक्ष में आप चले जाएं, आप कहीं पूर्वाग्रह से प्रेरित हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पत्रकारिता का सिद्धांत कहता है। एक है स्रोत। कोई भी सूचना जब आती है संपादक मंडल के पास, तो उसके अपने संपादक मंडल के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, उसके संवाददाता होते हैं। कोई दिल्ली में बैठे हैं, कोई उधर कोलकाता में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में उनके संवाददाता होते हैं, जो संदेश को लेकर के आते हैं। अब यदि कोई बलिया में हो संवाददाता, तो वो तो किसी संपादक मंडल के सदस्य हो गए, संवाददाता का काम कर रहे हैं, ये स्रोत हुए उस संपादक मंडल के। लेकिन बलिया में रहने वाले संपादक मंडल के भी तो अपने स्रोत होंगे भाई। जो भी घटना घटित हो रही है, हर घटना स्थल पर संवाददाता वहां उपस्थित तो होता नहीं, घटनाएं घटित होने के बाद वो वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद फिर उनके भी अपने स्रोत होते हैं। अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति होंगे, अलग अलग मत के होंगे, उसमें अलग अलग समुदाय के व्यक्ति हो सकते हैं, अलग अलग समाज से जुड़े व्यक्ति हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे समाज में छोटे छोटे संगठन भी हैं, राजनीतिक और संप्रदाय संबंधी इत्यादि। तो जैसे ही कोई घटना घटित होती है, तो ये मनुष्य का सहज स्वभाव है कि आदमी अपने तरफ खींचता है, चाहता है कि हमारी बात जो है, हमारा पल्ला भारी रहे, ऐसी सूचना जाए जिससे कि हमें सामाजिक लाभ ज्यादा मिले, राजनीतिक लाभ मिले। तो इस स्थिति में पत्रकार को क्या करना है कि संयम रखना है, और उसके जो अपने स्रोत हैं उन स्रोतों को भी देखते रहना है। देखिए भाई, गाड़ी जब एजेंसी से निकाल करके लाते हैं तो उसका कार्बोरेटर सही होता है और स्पीड एवरेज भी सही होती है, लेकिन जो धूल धक्कड़ है ना चलते चलते, वो उसमें आ जाता है, तो सर्विसिंग करते समय उसको जो है, उस कार्बोरेटर को देखे होंगे, मिट्टी तेल को डाल करके, और वो जो है उसको जब झाड़ता है तो उसमें से कचरे साफ होते हैं, फिर उसका स्पीड सही हो जाता है। तो समय समय पर संपादक मंडल को भी ये करते रहना चाहिए, ताकि जो अनावश्यक अनचाही अशुद्धियां जो आ जाती हैं, या यूं ही कुछ आ जाती हैं, तो उसे हमें साफ करते रहना चाहिए, ताकि लोकतंत्र का आईना बिल्कुल साफ हो। आपने हमें सुना, आभार, धन्यवाद।